नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार में दो सीटों पर उपचुनाव जीतना ही केवल राजद का मकसद नहीं है। राजद पिछले कई सालों से यह प्रयास कर रही है कि बिहार में जब भी चुनाव हो या चुनावी समीकरण बने तो उसमें तेजस्वी यादव को सीएम की कुर्सी तक पहुंचाया जाए। लेकिन तेजस्वी यादव के रास्ते में कई रोड़े हैं। हमने इसको लेकर पंचनामा की एक श्रृंखला भी चलाई है, लेकिन इन रोड़ों को छोड़ दीजिए, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनते बनते इस चुनाव में भी रह गए और जो उपचुनाव की सीटें हैं तारापुर और कुशेश्वर स्थान की, दोनों को जीतकर तेजस्वी यादव फिर से दावा कर रहे हैं, उनकी पार्टी के नेता दावा कर रहे हैं। खासतौर पर भाई वीरेंद्र ने तो यह भी कह दिया है कि उपचुनाव के रिजल्ट के साथ ही बिहार में तेजस्वी यादव के उप मुख्यमंत्री के शपथ लेने की संभावनाएं पूरी हैं। हालांकि वो पहले भी ऐसा कह चुके हैं, लेकिन इस बार वो ऐसा कह रहे हैं, इसके पीछे रणनीति है। लालू यादव बिहार आ रहे हैं, आंकड़ों को जोड़ा जा रहा है और कहीं ना कहीं ओवैसी को साथ लाने की बात चल रही है, माझी और मलाह को न्योता भेज दिया गया है और इन सब समीकरणों के बीच कहीं ना कहीं कांग्रेस ने अड़ंगा डाल दिया है, जहां सारी तैयारियां राजद की तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाकर दोनों सीटों को जीतने की है, वहीं बिहार में कांग्रेस ने खेल बिगाड़ने का प्रण कर लिया है। बिहार में कांग्रेस ने एक बात स्पष्ट कर दी है कि जो दोनों सीटें हैं उस पर उपचुनाव जो है वो कांग्रेस जीत रही है, और इतना ही नहीं, कांग्रेस ने इन दोनों सीटों का समीकरण भी बिगाड़ दिया है। क्या है मामला, पूरा समझिए। राज्यसभा सदस्य व कांग्रेस के प्रचार कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा कि तारापुर और कुशेश्वर स्थान विधानसभा की दोनों सीटों पर कांग्रेस के प्रत्याशी की जीत होगी। वे शनिवार को पार्टी के नेताओं के साथ तारापुर विधानसभा सीट पर चुनावी तैयारियों की समीक्षा के बाद प्रेस वार्ता कर रहे थे। अखिलेश सिंह ने कहा कि विधानसभा की दोनों सीटों पर इस बार मुकाबला त्रिकोणीय होना है। यहां जदयू राजद के साथ कांग्रेस उम्मीदवार के बीच असली लड़ाई है, लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि तारापुर और कुशेश्वर स्थान की जनता ने कांग्रेस के हाथ को मजबूत किया है और इसे और मजबूत करने का फैसला किया है। सिंह ने कहा कि कांग्रेस ने पूर्व में सिर्फ कुशेश्वर स्थान सीट पर अपने उम्मीदवार को देने का फैसला किया था, लेकिन राजद ने हमारे साथ धोखा कर दिया, जिसके बाद हमने तारापुर में भी प्रत्याशी उतारे और ये कहीं ना कहीं गठबंधन धर्म के खिलाफ था। लालू यादव को, तेजस्वी यादव को हमारी बातें सुननी चाहिए थी। कांग्रेस के सम्मान के साथ ही महागठबंधन का जीत निश्चित होता, लेकिन अब तारापुर सीट पर भी हमने अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं और अगर कुशेश्वर स्थान से, क्योंकि अभी भी संभावनाएं हैं, जो नामांकन उसे वापस लिया जा सकता है, राजद के प्रत्याशी वापस लेते हैं तो हम भी इस पर चर्चा कर सकते हैं, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो दोनों सीट जीतने के साथ साथ ही तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री बनने के सपने को भी समाप्त मानिए। यानी कांग्रेस ने बड़ा दावा कर दिया है। पहले भी कांग्रेस के नेता लगातार खुलकर ये बोलते रहे हैं कि तेजस्वी यादव की महत्वाकांक्षाएं भले जितनी हो हमें उससे कोई परहेज नहीं है, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बने हमें उससे भी कोई परहेज नहीं है, लेकिन जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने कांग्रेस से बिना पूछे बिना सलाह लिए प्रत्याशी उतारा, ये कहीं ना कहीं धोखा है और इस धोखे को कांग्रेस बर्दाश्त नहीं करने जा रही है। अब देखना इंटरेस्टिंग होगा कि लालू यादव बिहार आते हैं तो कांग्रेस के साथ कौन सी रणनीति बनती है, क्योंकि दिल्ली में चिराग पासवान के कार्यक्रम में राहुल गांधी और लालू यादव के बीच जो सहृदयता दिखी थी वह काफ़ी अच्छी लगी और गर्मजोशी के साथ दोनों एक दूसरे से मिले, और आने वाले समय में तेजस्वी ने भी स्पष्ट कर दिया है कि कांग्रेस और राजद के बीच रिश्ते केवल इस उपचुनाव की वजह से खराब नहीं होंगे। बने रहिए भारत पर, खबरें लगातार जारी रहेंगी। धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाई। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली, 9386816700। धन्यवाद।